क्वेटा में आलमो चौक पर SHO मुहिबुल्ला और उनके मुहाफिजों पर नामालूम अफराद की जानिब से फायरिंग की गई, जिसमें वो जहाँ बहाक हुए, जिसके बाद पुलिस लाइन में इनकी नमाज जनाजा के मौका पर एक खुदकश हमला हुआ जिसमें 35 पुलिस अहलकार जहाँ बहाक जबकि 40 जख्मी हुए। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकारों पर होने वाले हमलों ने अवाम को अदम तहफ्फुज़ के एहसास में मुब्तला कर रखा है, क्योंकि जब पुलिस अहलकार ही महफूज नहीं तो अवाम को तहफ्फुज़ कौन फराहम करेगा। बात यह है कि देखो अभी पुलिस लाइन के अंदर धमाका हुआ है, ये खुद अपनी हिफाजत नहीं कर सकते हैं तो हमारी क्या हिफाजत करेंगे ना, तो बिल्कुल इधर तो बिल्कुल गवर्नमेंट का नाम ही नहीं है इधर। इससे कबल भी सूबाई दारुल हुकूमत और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेज और लेवीज पर हमलों के वाकयात रूनुमा हो चुके हैं, जिसमें मुतअद्दिद अहलकार अपने फराइज की अंजामदही में जाने कुर्बान कर चुके हैं, मगर इसके बावजूद भी इन वाकयात का तदारुक ना होना लम्हा फिक्रिया है। मैं इस मौका पे कौम से ये अपील करना चाहूँगा कि ये दहशतगर्दी की जंग इस मुल्क को कौम पे मुसल्लत की गई है और ये सब ने मिल के लड़नी है, सब इख्तलाफात भुला के लड़नी है। हम पुलिस वाले, हमने शातें दी हैं, हम देते रहेंगे, हमने ये अज़म किया हुआ है और हमने हफाजत करनी है इस कौम की, इस मुल्क की। ना हम कल डरे थे, ना आज डरे हैं, ना हम कल डरें। शिद्दत पसंदी के खात्मे के लिए ज़रूरी है कि ऐसी पॉलिसियां मुरतब की जाएं जिससे सूबे में क़याम अमन और हालात की बेहतरी को यकीनी बनाया जा सके। कैमरा टीम के साथ रिजवान सईद, कैपिटल TV, क्वेटा।